प्रभास की कल की 2898 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। सिर्फ 8 दिनों में इसने इंडिया से 400 करोड़ प्लस की कमाई कर डाली है। फिल्म की रिलीज से पहले ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पिक्चर वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। अब इसकी रिलीज के बाद ये बात सच होती जा रही है। कल्कि का वर्ड ऑफ माउथ इसकी सबसे बड़ी वजह बन गया है। आइए बताते हैं कि पिक्चर ने अब तक कितनी कमाई की है। ट्रैक वेबसाइट सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 8वें दिन मूवी ने इंडिया से लगभग 22.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जिससे इससे पहले हफ्ते का कुल कलेक्शन हुआ 414.85 करोड़ रुपए। फिल्म ने इंडिया में 414.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिसमें तेलुगु वर्जन से 212.25 करोड़ रुपए, तमिल वर्जन से 23.1 करोड़ रुपए, हिंदी से 162.5 करोड़ रुपए, कन्नड़ा से 2.8 करोड़ रुपए और मलयालम वर्जन से 14.2 करोड़ रुपए कमाई कर ली है। 8 दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 684.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कल्कि ने ओवरसीज से अब तक 190 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इन आंकड़ों को दिन के हिसाब से समझे तो पहले दिन में कल्कि ने 95.3 करोड़ रुपए कमाए थे, दूसरे दिन में 59.3 करोड़ रुपए, तीसरे दिन में 66.2 करोड़ रुपए, चौथे दिन में 88.2 करोड़ रुपए, पांचवें दिन में 34.15 करोड़ रुपए, छठवें दिन 27.05 करोड़ रुपए और सातवें दिन 22.25 करोड़ रुपए और आठवें दिन 22.4 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागाश्विन के डायरेक्शन में बनी इस साइंस फिक्शन माइथोलॉजी वाली फिल्म का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए जनता भर भर कर थिएटर में पहुंच रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि ये बस आगे भी बना रहा तो जल्द ही कल्कि फिल्म की कमाई का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच जाएगा, यानी ये बाहुबली, RRR और पठान जैसी फिल्मों तक पहुंच जाएगी। 600 करोड़ के बजट पर बनी कल्कि ओरिजिनली तेलुगु फिल्म है, मगर इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया है। जल्द ही ये KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। खैर, कल्कि में प्रभास के साथ साथ दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हासन और दिशा पाटनी जैसे कलाकार भी नजर आए हैं। हमने कल्कि 2898 AD का रिव्यू किया है, जिसे आप जाकर हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। साथ ही उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। ये जानकारी जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।